सब्सक्राइब करो मेरे ट्रू हेल्प गुरु चैनल को हर दिन लेटेस्ट नया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम सो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुजाउद अहमद और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक वॉयम का माइक्रोफोन के साथ आपका जो DSLR 700G है कैमरा उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे माइक्रोफोन का जो सेटिंग से वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं आपका कैमरा में, और आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास है ये बॉय का माइक्रोफोन और मैंने इसको खरीदा 2200 रुपीस से, और ये है कैनन 700D। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है दोस्तों, देखिए इसका जो दोस्तों पॉइंट है वो है 2.5 mm का पॉइंट, और यहाँ पे जो मेरे पास है बोया का माइक्रोफोन ये जो है 3.5 mm का है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मैं इसको कनेक्ट करने जाता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं होगा, मतलब ये है 2.5 mm का पॉइंट और ये है 3.5 mm का पॉइंट। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को एक कन्वर्टर का ज़रूरत होगा, और मैंने एक कन्वर्टर ले लिया है। ये जो है ये है आपका 2.5 mm का पॉइंट और ये है 3.5 mm का पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। दोस्तों ये हो गया, और अब मैं कैनन जो 700D है उस पर कनेक्ट करूँगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, पहले आप जाइए मेनू पे और फिर आप जाइए साउंड सेटिंग पे, ठीक है। और अगर आपका ये साउंड सेटिंग ऑटो है तो आप इसे मैनुअल कर दीजिए। और यहाँ पे जो देखिए आप रिकॉर्डिंग का जो लेवल है ये, और इसको आप ऐसे मिडिल में कर दीजिए, ठीक है। तो तभी आपका जो नॉइज़ है वो नहीं आएगा, बाहर का जो साउंड है नहीं आएगा यहाँ पे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, और जो है विंड फिल्टर इसको अब डिसेबल ही रखें, और ये जो है इसको भी आप डिसेबल ही रखें। दोस्तों ऐसे आप कर सकते हैं 700D पे साउंड का जो सेटिंग है, माइक्रोफोन का सेटिंग ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर का जो साउंड नहीं आएगा। ये था कैनन 700D और बोया माइक्रोफोन का एक सेटिंग्स, जो माइक्रोफोन सेटिंग्स। और मेरे हिसाब से दोस्तों, आप लोगों को ये बोया का माइक्रोफोन जो है ये अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब बाहर का साउंड ज़्यादा लेता है। ये स्मार्टफोन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये DSLR कैमरा के लिए अच्छा नहीं है। आप जो 4000-5000 का जो बोया का माइक्रोफोन मिलता है वो ख़रीद लीजिए, या आप रोड कंपनी का माइक्रोफोन खरीद सकते हैं 4000-5000 का, वो बहुत अच्छा है और वो एंटी नॉइज़ है, बाहर का साउंड नहीं आएगा। फिलहाल ये जो है ये माइक्रोफोन बेसिकली अच्छा है स्मार्टफोन के लिए, और DSLR के लिए ये अच्छा नहीं है। और मैं और बाद में आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा जो कैनन 700D, 1200D और 300D के वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे ये माइक्रोफोन काम करता है DSLR कैमरा में, अदर DSLR कैमरा में 700D
हो या 1200D हो या 1300D। तो फ्रेंड्स ये था Canon 700D और बोया माइक्रोफोन का माइक्रोफोन सेटिंग, और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप बता दीजिए कमेंट में। ऐसे ही आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता रहूंगा, नया नया न्यूज लाता रहूंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।